अस्सलाम वालेकुम, कैसे हम सब लोग? ठीक हैं, खुश हैं, फिट हैं? आपका भाई अल्हम्दुलिल्लाह एकदम खुश फिट मज़े में है। यार 1 बज गए, हम निकलने लगे हैं। फ़्लाइट है शाम 6 बजे की, भाई जा रहा है ऑस्ट्रेलिया। ब्रिस्बेन की लैंडिंग है, गोल्ड कोस्ट में अकोमोडेशन है पिम्पामा, और बाद में आते हैं जल्दी जल्दी बताते हैं। लेकिन अभी ज़रा 1:20 हो चुके हैं और अभी टाइम ज़रा ऊपर ही हो रहा है, तो अभी ज़रा जाते हैं। जाते अभी यहाँ से घंटा दूर है एयरपोर्ट, फिर जाके बोर्डिंग बूटिंग करते कराते सारा कुछ टाइम वैसे ही ऊपर है। तो बस अब निकले, लेट्स गो। यार इसमें ज़रा टॉप अप करवा लें, पेट्रोल भर लें। इसमें टॉप अप इसलिए क्योंकि एयरपोर्ट पर पार्किंग होती है महंगी, वो कहते हैं कि मिनिमम 50 आपकी कार्ड में होना चाहिए तब वह एंटर होने देते हैं। इसके अंदर मेरे ख्याल से अभी 30-34 है, तो अभी इसके अंदर 30 का और करवा लेंगे तो 50 का प्लस हो जाएगा, और उतनी देर में पापा पेट्रोल भी भर लेंगे। इसे मेजर तो इसको टॉप अप कराना था, तो रुका ही है, तो पापा कहते पेट्रोल भी भरवा लें। हो गया भाई टॉप अप, पापा ने पेट्रोल भी भर लिया होगा, तो बस निकले। क्या टाइम हो गया देख सकते हो, 2:12, जबकि अभी यहाँ से 40 मिनट तो पक्के हैं जो लग जाने। पेट्रोल तो भी भरा जा रहा है, खैर भर ले तो फिर। चलो भाई पहुंच गए हैं, सामान सामान निकाल लें फिर ऊपर जाएं बोर्डिंग करवाएं, फिर मिलते हैं। तो भाई बोर्डिंग हो गई है, बोर्डिंग पास ही मिल गए, अब कुछ खा लें, भूख लग रही है, घर सबसे बात करें और फिर चलें। अरे मैकडी आए, अब मैकडी की सिर्फ यहाँ बुकिंग है, रेस्टोरेंट नहीं नज़र आ रहा होगा, रेस्टोरेंट बहुत आगे है। अजीब ही, पर क्या किया मैं, इतनी दूर से मैं बुकिंग ली हुई है। 18 ऑर्डर दे लिया और मैकडी वो आगे कर गया, और उन्होंने इधर से ही ऑर्डर ले लिया। हैवी सिस्टम तो वैसे कितना दूर है, देखो मैकडी वो आ गया और ऑर्डर वो पीछे। वाह चलो भाई ले लिया खाने को, या मैंने भी आज कौन ही नहीं है, कॉक्स है, मैक चिकन डिलक्स स्पाइसी है, वहाँ उन्होंने ऑर्डर लिया था, यहाँ इनका रेस्टोरेंट है, काफ़ी दूरी है। खैर आपको एक मजे की बात सुनना बताऊँ, जब मैं पिछली दफ़ा आया ना यहाँ, तो मेरे सारे लड़के पाकिस्तानी थे, तो ना सारे कहते कि तुम आए हुए पहले, तो मैंने कहा हाँ मैं आया हूँ, तो कहते चलो ठीक है हम तुम्हें फॉलो करेंगे। मैंने कहा हाँ जब उतरेंगे ना तो ट्रेन पर बैठ के जाना, मुझे क्या पता था कि ये उन्होंने इधर उतारना है आगे, तो मुझे तो ये था मैं जब भी आया हूँ कि ट्रेन पर लेते हैं फिर इधर आते हैं, तो उतरे ट्रेन आके उतरता, वो मुझे इतना उस पर फील हुआ ना कि क्या सोच रहे हैं, इसको बड़ा पता है यार। नहीं है अभी ऐसे खाने में निकलते हैं। इमिग्रेशन यार आ गया हूँ इमिग्रेशन सेंटर में, पापा वो खड़े हैं। चलो अब देखें यहाँ से कौन सा है, मुझे लग रहा है इसी तरफ। लो भाई हो गई है बोर्डिंग, इमिग्रेशन, अब देखते हैं कि यहाँ स्टेशन इस तरफ है या वो एयर उसके ट्रेन के उस तरफ है, पहले ये पता करते हैं और फिर चलते हैं। उम्मीद है कि उस तरफ ही होना है। तो भाई मैंने क्या सोचा, एक एयरपोर्ट का टूर भी देना,
ये है भाई ट्रेन स्टेशन जहाँ से ट्रेन चलती है और आपको दूसरी तरफ ले जाती है जहाँ इनके बाकी गेट्स हैं। कुछ गेट्स इधर हैं, मेरा गेट इधर ही है। ट्रेन में हम नहीं जाएंगे, हम पैदल हम वॉक करके जाएंगे और उधर जाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं। मैं वहाँ से अपने गेट से होके आया हूँ, ठीक है, वहाँ से मैं पैदल चल के यहाँ आया हूँ। मैंने यार चल के देखें तो फिर रिकॉर्ड भी करें वीडियो। खैर ये देखो, ये रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ बने हुए, सीटिंग है, अभी रेस्टोरेंट्स भी हैं। ठीक है, आगे कॉफ़ी शॉप्स भी हैं, उसके अलावा डोनट शॉप भी है, आगे ड्यूटी फ्री शॉप भी है। ये सारे कोई यहाँ से नीचे जाकर आपकी इमिग्रेशन आती है और यहाँ से हम आए थे। ये ड्यूटी फ्री शॉप्स रहती हैं, वो ओल्ड टाउन कॉफ़ी है। ठीक है, उसके बाद ये आगे सारी शॉप्स हैं और इधर से आगे चलते जाओगे तो शॉप्स कम आती जाएंगे, गेट्स आते रहेंगे। ठीक है, और ये आगे, ये देखो, ये ड्यूटी फ्री शॉप्स आ गई हैं, ये ग्लोरी जीन आ गई है। कॉफ़ी लिए नहीं यार भाई, बहुत खा लिया बड़े खा लिया, अभी कुछ खाएंगे प्लेन में खाएंगे। खैर ये वॉच है और आगे हम सीधे चलते हैं, सीधे चलते जाएंगे तो यहाँ गेट शुरू होते हैं। मेरा गेट है G8 और वो एंड पे जो आके कोई सेकंड लास्ट एयरपोर्ट है। ओ भाई चलो चले। खैर अब वहाँ चलते हैं, जाके बैठ के वेट करते हैं। तकरीबन रह गया कोई आधा घंटा रह गया फिर बोर्डिंग और फिर आप थोड़ा सा मूड सेट हुआ है, एक दो गाने सुने हैं, ज़रा फ्रेश किया अपने आप को, वॉशरूम गया था, रिलैक्स हुआ थोड़ा सा और अब बैक टू नॉर्मल इंशाल्लाह। बाकी यार बस सब निकले यार। तो यार बैठे हैं एक नाम से मैं तो मुझे दिखा दिया वहाँ सारा, मैं एयरपोर्ट ला के वहाँ से आके मैं गेट गुजार के अपने यहाँ के बैठ गया। वहाँ रश काफ़ी ज़्यादा था, अभी खुलने में भी 10 मिनट हैं, 5 बज गए तो बस 10 मिनट हैं, तो फिर मैं वहाँ जाके बहुत अजीब सी फीलिंग है। पहले इतनी मेहनत की ऑस्ट्रेलिया इतनी दुआएँ मांगी, अब बड़ी अजीब सी फीलिंग है। खैर यार अल्लाह ने किया सब कुछ, यहाँ बैठा हूँ। ठीक है, इस जो वसीला बना के भेजा ना अल्लाह ने, वो सर मुजम्मिल को बना के भेजा, मेरे जो अकेडमी, जहाँ मैं अकेडमी पढ़ जाता था उसके, उनके जो मेरे अकेडमी के प्रिंसिपल थे, वो सर मुजम्मिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर मुजम्मिल ने मुझे पुश स्टार्ट दिया, मेरी मदर को आके बाजी इसको भेज दें, आप लोग भेज सकते हैं, आप इसको भेज दें। थैंक यू सर। यार अलहम ना होती ना, मैं कसम से यहाँ ना होता। अलहम में जाके पढ़ता था मैं, अलहम ने ही पढ़ाया मुझे। स्कूल कॉलेज तो सिर्फ बंग माने आते थे, कॉलेज में तो मेरी 60% अटेंडेंस होती थी। अलहम ने बहुत पढ़ाया मुझे वाकई, 9, 10, 11, 12, अगर अलहम ना होती मैं तो 9, 10 में सप्लियाँ आ रही होती मेरी। सही बात है, मैं मेहनत करनी और मेरे से मेहनत करवाई, बहुत अलहम ने करवाई। अलहम ने पढ़ाया, उसके साथ मुझे और भी चीज़ें बहुत सिखाई हैं, जैसे मार्किंग टैक्टिक्स, स्पेशली सर मुजम्मिल ने बहुत कुछ सिखाया। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं इधर बैठा हूँ, कुछ घंटों में इंशाल्लाह मैं ऑस्ट्रेलिया हूँगा, जिसके लिए सारी मेहनत की हमने की, अल्लाह ने कामयाब किया। लेकिन जो वसीला बनाया वो सर मुजम्मिल ने बनाया। मैं अपनी पहली वीडियो में भी कहा था कि मेरे इधर आने में अलहम्द का बहुत रोल है, और वो वाकई सही बात है, अलहम्द ने ही किया, अलहम्द ने सर मुजम्मिल ने वाकई। यार बाकी मैं ये ना समझना कि ये कोई प्रमोशन वीडियो की किसने करना सर ने करना, मतलब जिसको मेरी शाबाशी देनी चाहिए, जिस इंस्टीट्यूट के, जिसने आपको कामयाब किया उसको देनी चाहिए। और ये बिल्कुल सच बात है कि मेरे इधर कामयाब होने में सबसे ज़्यादा रोल मेरे माँ बाप के बाद अलहम्द का, सबसे ज़्यादा रोल अलहम्द का। थैंक यू अलहम्द। अब बस यार थोड़ी देर में निकल रहे हैं और बस फिर चले बाकी सोच रहे हो गया अकोमोडेशन का ये सीन था यार कि अकोमोडेशन मैंने कर ली थी, और फेसबुक से बंदा मिला, वो इंडियन पंजाब से भाई है वो हमारे। ठीक है, तो उन्होंने उनसे बात हुई, उन्होंने कहा आप आए हम आपको सारा गाइड करेंगे। तो मेरी उनसे अकोमोडेशन ये, मेरी उनसे ये बात हुई कि आप, मैं आपके पास 2 हफ्ते रहूँगा, अगर आपके साथ मेरे सूटेबल कर गया लोकेशन भी और सारा कुछ तो मैं कंटिन्यू करूँगा, नहीं तो फिर नहीं, फिर मैं चेंज कर लूँगा। उनसे ये बात हुई है मेरी। और तीसरी चीज़ कि एक चीज़ आप अपने यूनिवर्सिटी जब आप करवाओ अपनी ऑस्ट्रेलिया में, तो आप उनसे देखो कि आप जो फीस जमा करो आपको क्या क्या पैकेज मिला है। जो मेरी ब्रिस्बेन एयरपोर्ट से लेके घर तक जो टैक्सी है वो 200-250 से कम हो ही नहीं रही थी,
तो फिर मैंने अपना पैकेज चेक किया कि मेरी यूनिवर्सिटी ने मुझे क्या क्या पैकेज दिया, तो उसमें फ्री पिकअप थी फ्रॉम एयरपोर्ट टू योर हाउस, ठीक है, टू योर अकोमोडेशन। तो वो बुक की तो मेरा 200-250 डॉलर बच गया भाई। तो आप ये चेक करना लाजमी कि आपके क्या क्या उन्होंने पैकेज में इंक्लूड किया हुआ है। चलो यार निकलें, आप लाइन में काम हो गई है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन अब बस निकलें। वो दूसरी कोई और है, ये हमारी G10 भी है ना, G10 हमारी G10 वाली तरफ है, वो किसी और साइड। तो भाई सारा कुछ डन, वेटिंग लाउंज में बैठे हैं, फ्लाइट का वेट है, फ़्लाइट 555 पे है, 25 हो गए, पता नहीं कब बंदे जाने देते हैं, बैठे हैं, चिल सीन है। अब ये चेक करो उन्होंने की चीज़ दी, उन्होंने कहा इसे फिल करना है ताकि वो आपसे ये ले लेंगे कि वो आपसे मांग पूछ रहे हैं आप क्या क्या लेके आ रहे हो। इसके बारे में एक मैं शॉर्ट बनाऊंगा कि क्या क्या ऑस्ट्रेलिया में लेके जाने के लिए अलाउड है, क्या क्या नहीं है, और ये सारा कुछ मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। अभी बस वेटिंग लाउंज में बैठे हैं और जैसी फ़्लाइट होती है फिर हम निकलते हैं। या वी कैन, तो भाई हम लैंड हो चुके हैं इंडोनेशिया में। अब ये ना पूछना इंडोनेशिया में कैसे लैंड हुए, कितों आ गए, उन्होंने सानू पूछा कि भाई तुम बाहर जाओ, ठीक है, आप प्लेन साफ करें, दिस इज़ अ टेक्निकल स्टे। मुझे तो मेरी टिकट पे लिखा भी नहीं हुआ था कि टेक्निकल स्टे है, लेकिन ये बाली एयरपोर्ट है, इंडोनेशियन एयरपोर्ट है और इंटरनेशनल एयरपोर्ट है बाली का। और अब यहाँ हम रुके हैं, 10:10 पे फ्लाइट और 10:10 हो चुके हैं, ठीक है, लेकिन हाफ ऑफ द पैसेंजर भी बाहर हैं चेकिंग में। और अब हम यहाँ कुछ आए हैं, कुछ देखते हैं, हमारी बोर्डिंग बोर्डिंग हो गई है, अब यहाँ से हमें सीधा फ्लाइट में जाना है, यहाँ कुछ ले लेते हैं, देखते हैं। दिस इज़ माई फ्रेंड, वी जस्ट मेट एट द एयरपोर्ट, दिस इज़ आल्सो माई फ्रेंड, सो वी गोइंग, सो ही इज़ गोना डूइंग नर्सिंग द सेम यूनिवर्सिटी, राइट, सॉरी कंप्यूटर साइंस, और सॉरी, सो वी गोना हैव अ वंडरफुल टाइम टुगेदर। अब यहाँ से कुछ बाय कर लें और फिर यहाँ से निकलते हैं, एयरपोर्ट पर जाते हैं, एयरपोर्ट तो है वैसे, मज़ा ही है। लैंडेड इन ऑस्ट्रेलिया फाइनली। यार ऑस्ट्रेलिया तो वाकई बड़ा स्ट्रिक्ट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है ये गंदे शूज़, खाने पीने, मेडिसिन के मामले में। यार मोटा मोटा बता देता हूँ, 6:45 हो गए हैं, 7:30 तक मेरी वो पिकअप ने वेट करना है, चले जाना है, इमिग्रेशन फारे हो गया, सबसे पहले वो काम करनी है, फिर मिलते हैं। तो भाई कन्वेयर बेल्ट पे पास आ रहे हैं, सामान मेरा सामान मिल गया, भाई का सामान ढूंढ रहे हैं, आता है फिर निकलते हैं, 7 हो चुके हैं, वहाँ निकलना है, मेरी टैक्सी नहीं चली ना 7:15-7:30 तक, जो उस पर पेपर पे लिखा हुआ था। तो अब बस यहाँ से निकल के फिर बस टैक्सी पे घर जाना है। ओह यार ऑस्ट्रेलिया वाले वाकई बहुत सख्त हैं, ये देखो उन्होंने पहले तो ये पेपर तो दिया ही दिया, उसके बाद उन्होंने एक यहाँ निकलते उन्होंने ये भी दिया कि कीप फुट एंड माउथ डिजीज़ आउट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, डिक्लेयर करना चाहिए, ठीक है, डिक्लेयर करो नहीं तो फाइन कर देंगे, ये सब ने मुझे कहा है। उन्होंने हमारे जो शूज़ पहने हुए हैं उन्होंने ऐसे कारपेट से चलाया जहाँ से शूज़ ही उन्होंने साफ़ किए हमारे। खैर भाई का सामान भी मिल गया, अब हम बस निकलने लगे,
तो भाई हमें ग्रिफत वालों ने पिक किया है, ठीक है, और ये ग्रिफत वाले ही हमें मीन्स के मुझे छोड़ देंगे, इन सबको छोड़ेंगे, हमें ही छोड़ेंगे अपने अपने, क्योंकि तो इन्होंने ये गिफ्ट भी दिया, वेलकम गिफ्ट। अभी हम चलते हैं और जाके फिर रेस्ट मारते हैं। आते साथ ही बारिश ने स्वागत किया अपना। खैर अभी मैं सामान रख लूँ, फिर थोड़ी शूटिंग करेंगे घर जाके, इन बाकी बताएंगे। अभी बस ये निकले। ओह किसमें आए हैं? ओह दैट्स मर्सिडीज वन। ओके लेट्स गो। ज़्यादा ऊँचा नहीं बोलना, हमारी फैमिली है तो लेकिन अभी घर का टूर अगले, घर अच्छा है, स्ट्रीट बड़ी अच्छी है, मैं बहुत थका हुआ था इसलिए आँखें भी बंद हो रही, मैं भी बस सोने लगा हूँ। ये बेड है, वो साइड टेबल है, वार्डरोब है, मेरा बैग टची जो भी, ये भी मेरा हैंड बैग शूज़ वहाँ तक रखे हैं यार। ये दिया है उन्होंने, इसकी देखने से क्या है ग्रिफत वाले जो हमें दिया। बूम कम ऑन, और कुछ निकल, कुछ भी नहीं आता। चलो फायदा गोल्ड कोस्ट। ओके गोल्ड कोस्ट, सनशाइन कोस्ट, जी डे फ्रॉम ब्रिस्टन, गुड डे फ्रॉम ब्रिस्बेन, ग्रिफत मेट्स, पार्क रॉक, लव। ओके सो व्हाट्स दिस, ब्रिस्बेन विजिटर गाइड, ग्रेट बैरियर रीफ डे टूर, व्हाट्स दिस, ओ वो 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 भाई सिम दी है, ग्लो दे सिम दी है। चलो वोडाफोन की सिम दे दिए तो फिट हो गया। खैर ये देखते हैं क्या से। ओके कुक आउटलेट शॉपिंग, ब्रिस्बेन मैप, व्हाट्स दिस, ज़ेब्रा हुड, डाउनलोड द ऐप, एज वाइल्ड एज लाइव कैट्स, कैटिंग ऑस्ट्रेलिया ज़ू। तो ये कुछ था, चॉकलेट्स दी हैं, चॉकलेट है, ये चॉकलेट है बस। तो व्लॉग यही एंड कर रहा हूँ अब बस। सोए तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।